पिछले कुछ दिनों में आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ आपने बहुत सारी रिफॉर्म्स भी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई, ये ऐतिहासिक भी थी। और मैं तो कहूँगा अगर भारत के संदर्भ में 2020 को 2020 को देखा जाएगा तो ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में देखा जाएगा। अब इसमें राज्य की सरकारें भी अगर रिफॉर्म्स लाती हैं तो इसमें संघीय ढांचे में और बल मिलेगा, और नीचे तक जो हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो 3% से जो 5% तक जो अपने GSDP का के मुकाबले उनको पैसा रेस करने के लिए अनुमति दी गई है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स के साथ हमने उसको जोड़ा है, 4 क्षेत्रों के लिए जोड़ा है, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड हो, जिससे सबसे बड़ा लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, गरीब लोगों को मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां बाकी रिफॉर्म्स हमने MSME सेक्टर की परिभाषा या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट APMC एक्ट में बदलाव करने से की हो, पावर रिफॉर्म्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए, उसी तरह से अर्बन लोकल बॉडीज में आय के साधन कैसे बढ़े ताकि आने वाले समय में ये जो कर्जा राज्य की सरकारें ले रही हैं इनके ऊपर बोझ ना बने और इनके अपने आय के साधन भी बढ़े, रिफॉर्म्स भी ला सकें, उस दिशा में बड़ा कदम है। जैसा केंद्र सरकार ने रिफॉर्म्स लेकर आए, मेरा मानना है इन रिफॉर्म से भारत में रोजगार स्वरोजगार कारोबार और आविष्कार के बहुत सारे अवसर बनेंगे, नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसी तरह से राज्यों के लिए भी इस तरह के रिफॉर्म्स को साथ में जोड़कर देखा गया जिससे राज्यों में भी रिफॉर्म्स आए। तो इसमें जो पहला 0.5% है यानी कि 0.5% है वो अनकंडीशनल है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। जो बाकी 1% है उसको 4 किश्तों में, जो 4 हमने परिवर्तन करने के लिए रिफॉर्म्स करने की बात कही उनमें 4 में से अगर 3 भी आप कर लेते हैं तो आपको 1% उसका रिलीज कर दिया जाएगा 0.25 की ट्रांजेक्शन। वन स्मॉल करेक्शन, दैट 1% विल बी रिलीज्ड इन 4 ट्रांजेक्शन फॉर डीलिंग विद दोस 4 रिफॉर्म स्टेप्स, वन रेशन वन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज, सो दैट 1% गोस इन